वो है आर्यन और मिथुन, वो दोनों बीच पे चले गए थोड़ा पैर भिगोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ही हमारा फर्स्ट डे, मतलब कल तो रात को आई थी, तो आज ही हमारा फर्स्ट डे एक्चुअली। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और देखते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। सुबह सुबह आई हूँ ब्रेकफास्ट करने और चटनी मुझे बहुत पसंद है, तो जबकि बोंडा के साथ मैं चटनी लूंगी। और देखिए ये जो रेड चटनी है ये मेरे ऊपर गिर गई और मेरा जो पाजामा है मेरा बिल्कुल कलर हो गया और सबके सामने क्या कर सकते हैं अभी। पर चलो, हाँ आज का सुबह का जो शुरुआत है वो कुछ इसी तरह से हुआ है। पर ये माइंड में रख के हमें नहीं चलना है कि पूरा दिन ही हमारा ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। इंसिडेंट हुआ है, भूल जाओ और नए टाइम का शुरुआत करो। तो अभी आप साइट सीन के लिए रेडी है, तो अभी जाएंगे और सारे लोग अभी रेडी हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कॉफी या कुछ पेस्ट्री कुछ लेंगे एंड देन उसके बाद निकले, क्योंकि वो लोग अभी रेडी नहीं हुए। हाँ चीज केक, हाँ। तो अभी हम सब मिलके निकल रहे हैं, एक्चुअली दो कार लेके हम जा रहे हैं ताकि सब आ जाए। और साइट सीन के लिए मुझे नहीं लगता कि सबको अपने अपने कार लेके जाना पड़ेगा। आर्यन चलो। तो अभी हम लंच करने आए हैं बेकर्स रेस्टोरेंट कम बार शायद, और अंदर इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है ना, बिल्कुल गोवा जैसा फीलिंग से। गाइस मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप गोवा को मिस करते हो, अगर एरिया के आसपास हो, तो उडुपी एंड मणिपाल इज द बेस्ट सिटी टू स्टे एंड ऑब्वियसली वैकेशन के लिए। अभी लंच के बाद हम लोग थोड़ा सा शाम भी हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मालपे बीच। वो जगह पूरा मतलब मानसून के कारण फेंस्ड है, तो फिर भी हम थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं कि थोड़ा सा किसी ने बोला फेंस्ड है, हाँ किसी ने बोला, तो आज जाके देखेंगे। और यहाँ पे आए हैं और अभी तक समुंदर नहीं देखा, तो इसलिए सोच रहे कि चलो शाम भी हो चुका है, थोड़ा सा समुंदर का मजा भी ले लेते हैं, सनसेट भी देख लेते हैं। समुंदर में ना होके और भी और क्या, और मेरे साथ चार 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 औरतें, चार चार औरतें आ जाओ मिथुन के साथ ही। मिथुन का तो चार चांद लग गए मिथुन के खूबसूरती पे, नहीं हैंडसमनेस पे। ये है मालपे बीच का एरिया, आप लोग एक बार जस्ट देख लो। गोवा से कम है क्या, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गोवा से किसी भी कारण से कम है, बहुत ज्यादा क्राउडी है, पर यहाँ पे फेंस है शायद गार्ड किया हुआ है, समुद्र के सामने शायद जाने नहीं देंगे, बट स्टिल एकदम गोवा भाई। कोलकाता फेमस काठी रोल एखाने किए खाबे, एखाने खाबो माछ भाजा तावा फ्राई और रावा फ्राई। बे बीच कैफे तो एक्चुअली अभी हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बीच से घूम के आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी था, थोड़ा सा भी हवा नहीं था, तो अभी हम आइसक्रीम खाने वाले हैं, वो भी केंद्र को, बहुत टेस्टी नेचुरल्स का जरूर ट्राई करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और थोड़ा थोड़ा मैं व्लॉग बना रही हूँ, एवरी डे का मिला के एक व्लॉग मेरा बनेगा, बिकॉज व्लॉग भी बनाना जरूरी है क्योंकि आपको अपडेट देना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ में हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करने की जरूरत है, तो इसलिए दोनों ही बैलेंस करते हुए दो तीन दिन तक एक व्लॉग बनेगा। तो अभी हम जा रहे हैं पित्तरोदी उद्यान बीच,
और ये बीज आपने इंस्टा पे और बहुत सारे जगह पे आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि अमेजिंग प्लेस है। और वैसे मैंने भी इंटरनेट पे देखा था, अपने आंखों से अभी तक नहीं देखा, पर जो देखा वो अमेजिंग था। अभी जाके देखते हैं कि एक्चुअली वो कैसा दिखता है। और मेरे वीडियो पे आप लोग जो देखेंगे ना वो ओरिजिनल होगा, कोई एडिटिंग वेडिटिंग वो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर रियलिटी में वैसे ही होगा। तो चलिए देखते हैं। इट्स अमेजिंग, अभी आने वाला है अमेजिंग चीज एक्चुअली। होगा इतना हो जाएगा देख के। We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my Amazing place. Seriously. यहाँ पे आने के बाद दो दिन हो गए यहाँ पे आए, पर समुद्र ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मतलब जहाँ पे हम है ना मणिपाल, तो वहाँ से थोड़ा दूर है, 40 मिनट्स लगे हमें यहाँ तक आने के लिए। सामने का जो व्यू है माई गॉड। और ये रास्ता जो है आने के टाइम में मतलब बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ था। हाँ, बड़ा कार लेके आने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्कूटी सबसे बेस्ट है, या तो ऑटो में आ जाओ, या छोटा कार अगर हो तो हैचबैक अगर हो तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हमारा कार जो है वो लंबा आने के बाद लगा कि इट्स वर्थ। वो है आर्यन और मिथुन, वो दोनों बीच पे चले गए, मतलब पानी में थोड़ा पैर भिगोने। पर मैं लॉन्ग कुछ पहन के आई हूँ, और वैसे भी मुझे समुद्र मुझे देखना अच्छा लगता है, पर उसमें वो भीगना या नहाना नहीं। तो वो दोनों पोज़ देके क्यों खड़े हैं, पता नहीं चल रहा है। ये तुम्हारा प्राइवेट बीच है, कब खरीदा? ये बिल्कुल प्राइवेट बीच जैसे ही है। एक एक जो ये आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लेके उस बोल्डर तक, ये जो बीच का जो ये स्पेस है ना, बिल्कुल प्राइवेट बीच जैसा ही है। कोई नहीं है यहाँ पे, हर किसी के लिए बहुत बड़ा है ये, हर किसी के लिए, हर कोई अलग अलग यूज कर ही सकता है। वहां से निकलते ही यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके। ये एक बैकवाटर है, पर इतना ज्यादा साफ पानी तो नहीं है, पर थोड़ा सा भी स्मेल नहीं है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा भी स्मेल नहीं है यहाँ पे। और इतना ज्यादा मतलब पेड़ का छाव और हल्का हल्का सा हवा, इतना अच्छा एक मोमेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं और मिथुन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आर्यन तो मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ है, क्योंकि मिथुन अपने काम लेके आए थे यहाँ पे, छुट्टी पे नहीं, तो वो लोग सारे छुट्टी पे आए थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे। तो जल्दी जल्दी में हम इस बीच को विजिट कर लिए, और अभी हम जा रहे हैं वापस होटल में। मिथुन काम करेंगे, मैं सबके साथ घूमूंगी। मेरा वो मेंटली कुछ सेटिस्फेक्शन मन नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, उनको भी थोड़ा सा मन करेगा कि सबके साथ घूमे। तो आर्यन घूमे, आर्यन एंजॉय करे सबके साथ, क्योंकि आर्यन का फ्रेंड भी है। पर मैं मिथुन के साथ होटल में वापस जा रही हूँ। मिथुन काम करेंगे, मैं थोड़ा सा सो लूंगी और क्या करूँगी।